कौन बनेगा अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बनेंगे या उनके डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचेंगे? आज की तारीख में यह सबसे अहम सवाल है। इस सवाल की महत्ता सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। चीन से फ्रांस तक दुनिया बारूद पर बैठी है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन घात लगाकर बैठा है। पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति में सुपर पावर अमेरिका का रोल सबसे अहम है। इसीलिए TV9 भारतवर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर खास अमेरिका से टेली सीरीज मिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ सुपर पावर लेकर आ रहा है। पहले एपिसोड में आप देखिए 3 नवंबर द डिसाइडिंग डे। के करीब 24 करोड़ मतदाता इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के तहत अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिका का ये चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक इस चुनाव में करीब 14 अरब डॉलर खर्च होंगे। जाहिर है ये अमेरिका के चुनावों में अब तक के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी चंदा जुगाड़ने के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे हैं। 1970 के दशक से अमेरिकी राजनीति में सक्रिय है और बराक ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट रहे जो बाइडेन को दान देने वालों ने 100 करोड़ डॉलर का चंदा दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 59.6 करोड़ डॉलर जुटा पाए। जो बाइडेन ने कोरोना की रोकथाम में झूठे वादे नहीं करने और सक्षम विदेश नीति का वास्ता देकर पूरे इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप को घेरा। वैसे ये कैंपेन बहुत निजी भी रहा। निजी आरोपों के साथ साथ चीन से रिश्तों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में तीखी नोकझोंक हो चुकी है। फिर ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में ट्रेड, डिप्लोमेसी, डिफेंस और एनवायरनमेंट के मुद्दे पर अपने पहले के राष्ट्रपतियों से अलग लाइन ली। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात करके हर मसले में अमेरिका का फायदा ढूंढा, लेकिन जमीन पर इसका असर कुछ खास नहीं दिखा। फिर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते भी तहस नहस हो गए। पहले चीन के साथ कारोबार पर तकरार हुई और फिर उसके बाद कोरोना पर। अगर चीन को छोड़ भी दे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका के रिश्ते कनाडा और बाकी नेटो देशों से भी खराब हुए हैं। अमेरिका के पुराने रिश्तों को प्रेसिडेंट ट्रंप ने नफे और नुकसान के तराजू में तोला। अब इसका क्या फायदा होगा ये तो वोटर ही बताएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप को पूरा विश्वास है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने में ट्रंप कामयाब रहेंगे। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया में उसका सबसे अहम रोल है, वो बिग ब्रदर है। लेकिन अब अमेरिका को चाइनीज चैलेंज का सामना करना है। कई मोर्चों पर चीन ने अमेरिका की नाफरमानी की है। इस तरह अमेरिकी चुनाव में चीन भी एक बड़ा मुद्दा है। चीन से निकले वुहान वायरस यानी कोरोना के मुद्दे ने अमेरिकी चुनाव को संक्रमित कर दिया। ऐसे में कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ट्रंप और बाइडेन की चाइनीज पॉलिसी ही उनकी किस्मत का फैसला करने वाली है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।